देवघर पहुंचे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने झारखंड के संथाल परगना में लगातार हो रहे लव जिहाद और धर्मांतरण मामले को लेकर नए कानून बनाने की मांग की है। देवघर में राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि आदिवासियों का गढ़ संथाल परगना में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यह मामला लगातार बढ़ रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद लगातार आवाज बुलंद कर रहा है और इन क्षेत्रों में जाकर लव जिहाद को रोकने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यह मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है लव जिहाद को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाने की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है और झारखंड प्रदेश में स्लीपर सेल की मदद से यह काम किया जा रहा है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं झारखंड में घटी हैं, खासकर संथाल परगना में, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण मामले बढ़ रहे हैं। जो कि अब जेल में है, कार्रवाई नहीं की, दबाव के कारण कार्रवाई हुई तो वह जेल, और विद्यालय में जाकर हिंदू लड़कियों को धमकाते हैं कि हमसे दोस्ती करनी हुई, हिंदू लड़कियों को दबाव में लेकर लव जिहाद, ये सब के सब जेल जाए और ये स्लीपर सेल के रूप में जो काम कर रहे हैं जनसंख्या असंतुलन बनाने के बनाए रखने के लिए, इसलिए ये सेल टूटना चाहिए। और जो हिमाच जो धर्मांतरण झारखंड के अंदर जिस प्रकार से ईसाई गतिविधियों के द्वारा हिंदुओं का आदिवासियों का जनजातीय क्षेत्र में जो धर्मांतरण किया जा रहा है, वह धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि धर्मांतरण के माध्यम से हिंदू समाज को अहिंदू बनाने की कोशिश हो रही है और उनको अराष्ट्रीय गतिविधियों में करने का प्रयास चल रहा है, देश को तोड़ने का, या आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। इसलिए इस प्रकार के चीजों के लिए अपने झारखंड सरकार के अंदर जो धर्मांतरण का कानून है, वह कानून में संशोधन करते हुए अगर आवश्यकता हो तो, न तो उस पर छल से, बल से, कपट से, लोभ से, प्रलोभन से, इन चीजों को डालते हुए मिनिमम 1,00,000 की का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान करते हुए ऐसे अराष्ट्रीय गतिविधियों में जो लिप्त हैं, जो धर्मांतरण के लिप्त हैं, जो लव जिहाद में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को सजा हो, ऐसे लोग जेल भेजे जाए।